हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बगड़ी पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों को लूट और जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने बाप बेटे के पेट में चाकू घोंपकर किया था घायल। इनका आंखों में मिर्ची उड़ेलकर दुकान लूटने का था इरादा। जब सफलता नहीं मिली तो घोंप दिया पेट में चाकू। घटना के अनुसार 29 मई की कंटालिया गाँव की घटना है। पाली पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति स्वरूप शर्मा, सोजत पुलिस उप अधीक्षक भोमा राम के नेतृत्व में एक टीम गठित कर बगड़ी थाना अधिकारी प्रेमा राम के नेतृत्व में विभिन्न पहलुओं पर गहन खोजबीन कर मुखबिर मामूर किए गए तथा संदिग्धों पर लगातार निगरानी रखी जाकर वैज्ञानिक तत्वों का समावेश करते हुए संदिग्ध हनुमान सिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत निवासी गंभीर सिंह का बाड़िया पोस्ट भोजपुर पुलिस थाना बदनौर जिला भिलवाड़ा और गणपत सिंह उर्फ सुरेश पुत्र कुंदन सिंह रावत निवासी ठिकरवासा खुर्द पुलिस थाना देवगढ़ जिला राजसमंद को बात पूछताछ जुर्म स्वीकार करने पर शुक्रवार 10 अगस्त को बापर्दा गिरफ्तार किया जाकर माल बरामदी की गई। 28/5/2018 की घटना है। रात 9 बजे ये पीड़ित चित्राराम और गणपत राज अपनी दुकान बंद करके कंटालिया गांव से अपने बेरे पर जा रहे थे तो बीच रास्ते में सुनसान जगह पे अभियुक्तों ने सुनसान जगह देखकर उनके साथ वारदात को अंजाम दिया। सोजत रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।